काटने के बाद भी रिहाई ना होना, ये ठीक वैसा ही है जैसे आजीवन काल कोठरी में बंद कर दिया जाना। कुछ ऐसा ही हुआ है बांग्लादेश की रिया आफरीन उर्फ रूपा के साथ। सजा पूरी करने के बाद भी विदेशी महिला बिहार शरीफ की जेल में बंद है, आखिर क्यों? देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक महिला जो अपने वतन से दूर, अपने लोगों से दूर, पराए देश में कभी ना खत्म होने वाली सजा काट रही है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके अपनों ने ही इसका साथ छोड़ दिया है। ये हकीकत है बांग्लादेशी महिला रिया आफरीन रूपा की, जो अभी बिहार शरीफ जेल में बंद न्याय की आस में बैठी है। 12 अक्टूबर 2019 में नूरसराय पुलिस को अय्यापुर गांव के समीप एक महिला भटकती हुई मिली। पूछताछ में पता चला महिला बांग्लादेश के खुलना जिले की रहने वाली है। दलाल ने उसे पैसे का झांसा देकर नालंदा लाकर छोड़ दिया था। उसके पास भारत आने संबंधी किसी तरह के दस्तावेज नहीं थे, जिस कारण पुलिस ने बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार कर लिया। फिर मुकदमा चला, कोर्ट ने 1 वर्ष 7 दिन की सजा मुकर्रर की। आफरीन रूपा को 5 दिसंबर 2019 को जेल लाया गया। महिला की सजा इस वर्ष 22 जनवरी को पूरी हो गई, मगर सजा पूरी करने के बाद भी रूपा कई दिनों से जेल में बंदियों की तरह ही रह रही है। असल एक बांग्लादेश की महिला है जिनका नाम आफरी रूपा है, रिया आफरी रूपा। ये बांग्लादेश से चल करके हिंदुस्तान में आ गई। इनके पास पासपोर्ट वगैरह की जो त्रुटि होती है उसको देखे जाने के बाद इनको विदेश अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाते हुए इन पर केस किया गया। केस का विचारण भी स्पीडी ट्रायल के तहत FTC 1 के न्यायालय में किया गया, और ट्रायल के बाद या यूँ कह लिए विचारण उपरांत उनको जो है ना दोषी पाया गया। दोषी पाने के बाद जो है उन्हें सजा 1 साल की सजा दी गई। हालांकि सजा पूरी होने के पहले जेल अधीक्षक ने नालंदा SP को पत्र भेजकर कोर्ट की टिप्पणी से अवगत करा दिया था, जिसमें कोर्ट ने निर्देश दिया था कि महिला को बांग्लादेश भेजने का प्रबंध किया जाए। इसके बाद भी बांग्लादेश भेजने का प्रबंध नालंदा पुलिस या जिला प्रशासन ने नहीं किया। कैदी की जिंदगी जी रही महिला जेल की दीवारों पर पेंटिंग कर अपना समय काट रही है। आफरीन बांग्लादेश में 2 बच्चों को छोड़कर आई थी, जिन बच्चों के इलाज के लिए पैसा कमाने वह आई, आज उन्हीं बच्चों से मीलों दूर है। वतन लौटने की आस में पथरा चुकी आंखें अब गीली भी नहीं होती, बस शून्य में निहारती हुई परायों के बीच अपनों को तलाशती रहती है। नालंदा से राकेश कुमार की रिपोर्ट।